Hey guys, welcome back. This is the third class of ratio analysis. I'm Samir and you're watching Komsky One. So, इससे पहले जो सेकेंड क्लास था उसमें हमने बैलेंस शीट से रिलेटेड जितने टर्म्स थे रेशियो एनालिसिस के वो हम डिस्कस कर चुके थे. आज का जो क्लास है वो हम क्या करेंगे आज के क्लास में? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. इस सारे हम लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे, कैपिटल एम्प्लॉयड से लेके जो बातें थी वो सारे डिस्कस कर चुके थे. कंसेप्ट नंबर थ्री आज का क्लास है. वी स्टार्टिंग द क्लास एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट ऑन द बेल आइकन टू रिसीव फर्दर अपडेट्स. और वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस यूजफुल लग रहे हैं तो डू लाइक एंड शेयर. ओके, स्टार्टिंग करते हैं आज का क्लास. कंसेप्ट नंबर थ्री, इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो पीएल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स जो रेशियो एनालिसिस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. एक स्टेटमेंट और कुछ कुछ बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं रेशियो एनालिसिस में. ये ऐसे नहीं कि आपको नहीं पता, हमने एफएमके क्लासेस में भी किए हुए हैं, हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के क्लास में बहुत सारे पार्ट किया हुआ है, हम ये पूरा डिस्कशन कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी कर चुके हैं. ओके, सो सेम चीज यहाँ पे दो कॉलम मैंने रखा है. ओके, एक में एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम लोग और दूसरे में बस फॉर्मेट दिया हुआ है. ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आगे चलते हैं. आप सेल्स लिखते हो, रेवेन्यूज, वहां से एक्सपेंस माइनस करते हो अदर देन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमारा एक्सपेंस है. इंटरेस्ट को छोड़ के बाकी सारे एक्सपेंस जो माइनस हो जाता है तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको EBIT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे भी समझो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये जो अर्निंग है 40 रुपए का, क्योंकि 100 और 60 माइनस 40 रुपीज, ये जो है ये आपका हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट. इसमें इंटरेस्ट अभी तक नहीं माइनस किया हुआ है. ओके, तो ये इन शॉर्ट ये जो 40 रुपीज है इस पे किस किस का हक है? इसमें इंटरेस्ट लोन जो लोगों ने दिया क्रेडिटर उनका हक है. इसमें कुछ पोर्शन गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के हिसाब से जाएगा क्योंकि टैक्स भी हमको देना है, उनका भी हक है. जितना बच जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिविडेंड लेंगे उनका हक है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स भी डिविडेंड लेंगे उनका हक है. तो ये 40 रुपीज में इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं. ओके, यहाँ से इंटरेस्ट माइनस हुआ, से फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का इंटरेस्ट है, तो जितना बचा ये जो पार्ट है ये हमारा क्या हुआ? PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट माइनस हो गया. ओके, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स. और क्या माइनस होने वाला है? टैक्स होने माइनस, टैक्स माइनस होने वाला है, इसलिए PBT. इसको EBT भी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स, जैसे भी समझे. ओके, अब टैक्स से फॉर एग्जाम्पल 50% का था तो 15 रुपए का टैक्स आया, माइनस हो गया, तो जो बचा उसको क्या बोलेंगे? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हैं, जैसे भी समझो, ठीक है. 15 रुपए का अर्निंग आफ्टर टैक्स हो गया, ठीक है. प्रेफरेंस डिविडेंड अगर है तो दिया जाएगा, जितना बचेगा अर्निंग फॉर इक्विटी, इक्विटी डिविडेंड दिया जाएगा, फिर जितना बचेगा उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग. डन, ये सबको पता है. ये जो रिटेन अर्निंग है ये अपना रिजर्व सरप्लस का पार्ट होके जाता है. ये जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं इससे हम लोग DPS कैलकुलेट करते हैं. FMK का क्लास याद करिए. और दिस इज द अर्निंग फॉर टोटल इक्विटी. इसमें अगर हम इक्विटी नंबर, इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को, तो EPS का कैलकुलेशन होके भी आ सकता है. सो दिस इज द फॉर्मेट जो आपको ऐसे नहीं है कि नया है, आपको पता है. अब उसी से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 15, टैक्स रेट कितना है? 50%. तो अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स पूछूं, सर क्या? सर ये तो एकदम मतलब बचपन वाला, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, बस कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ. एक सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें क्या रिलेशन हुआ बताओ तो? अगर इसको हम 100 एज्यूम करते हैं, 50% हो गया टैक्स माइनस होने के बाद, जितना बचा वो 50 है, मतलब दिस 15 रुपए इज इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ द टोटल 100. इज इट ओके? आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब 100 चाहिए. अगर 50% में 15 रुपए है तो 100 में कितना? यूनिटरी मेथड है, नॉर्मल है,
कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे टैक्स रेट 60% होता है से फॉर एग्जाम्पल, तो 40% ही होता, तो 40% इफ 15 रुपए, तो 100 के लिए कितना? अगर यहाँ पे 30% टैक्स रेट होता, ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बच जाता है यहाँ पे? 70%। तो 70% इक्विवेलेंट टू 15, ठीक है, तो 100 में कितना? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स का परसेंटेज, मतलब 50 है तो 50, 30 है तो 30, 40 है तो 40, जितना भी टैक्स है वो 100 से माइनस कर दो, परसेंटेज में डिवाइड कर दो उसे, तो आपका आ जाएगा 30। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 रुपए है, ठीक है, कैलकुलेटेड है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30 रुपीज, सारा स्टेटमेंट में ही है, आपको दिख रहा है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना हो गया? 40 रुपीज, ठीक है। कहां से आया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट? ये ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट क्या लिखा है यहाँ पे? आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। सर बातें समझ में नहीं आया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट सुना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सुना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सुना, लेकिन आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट नहीं सुना है, उसी को कैलकुलेट करना है। याद आ रहा है ईबीए का क्लास? ईबीए का क्लास में इसको लेके पूरा डिस्कशन हुआ था, मैं इन शॉर्ट आपको रिकैप करा रहा हूं, वैसे नोट सारा किया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर आपको क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया हुआ है और टैक्स रेट भी है, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट को माइनस मत करो, स्ट्रेट अवे टैक्स माइनस कर दो जो भी टैक्स दिया हुआ है। तो जितना फिगर आएगा उसी को बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट हमने माइनस नहीं किया, आफ्टर टैक्स क्योंकि टैक्स ऑलरेडी माइनस कर दिया, लॉजिकल है, ठीक है, अगर ईबीआईटी दिया हुआ है तो। अगर सर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, ईबीआईटी नहीं, पैट दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो सर इसमें हम क्या करते थे? ईबीए का क्लास में पूरा डिटेल डिस्कशन है, किसी ने अगर ईबीए का क्लास नहीं दिखा हुआ है, अगेन आई बटन में ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप प्लीज ईबीए का क्लास जरूर देखें, बहुत सारे टेक्निकल कंसेप्ट वहां पे भी डिस्कस हुए हैं। ओके, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आपको दिया तो हम क्या करते थे इसमें? मैं लॉजिक थोड़ा समझाऊंगा अभी, यहाँ पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स को ऐड कर दो, नेट ऑफ टैक्स को ऐड करो तो जितना आएगा वो सेम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, थोड़ा इस स्टेटमेंट में चलते हैं। आपको बोला कि अर्निंग चाहिए, एक सेकेंड थोड़ा इरेज करते हैं इसे, बहुत ज्यादा हो गया है। ओके, आपको बोला कि आपको क्या चाहिए? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स चाहिए, तो अगर आप डायरेक्टली 15 रुपए को लेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो 15 रुपए आया है ये आफ्टर टैक्स जरूर है बट आफ्टर इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है और आपको बोल रहा है कि आप ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स निकालो, तो सर बिफोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं एडबैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 15 रुपए इसमें तो ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस कर चुके हैं। अब सर सीधा सीधा बात था, 10 रुपये डायरेक्ट ऐड कर दो, नहीं, ये जो 10 रुपये और ये जो 15 रुपये है इसके बीच में एक टैक्स टैक्स का बात रह गया है। जितना आप इंटरेस्ट दिखाते हो ना उससे आप टैक्स सेव करते हो। अगर ये 10 रुपये यहाँ पे नहीं होता तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होता? 40। टैक्स कितना होता? 40 का 50% 20। अभी कितना है? क्योंकि इंटरेस्ट है इसलिए 15 रुपए का टैक्स दे रहे हो, अदरवाइज 20 रुपए का टैक्स दे रहे होते, तो 5 रुपए कहीं ना कहीं सेव होता है ना। तो इसलिए जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रहे हो हमको और आपको बोल रहे हैं कि आप अर्निंग बिफोर
इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करो, बिफोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऐड बैक करोगे, आपको क्या प्रॉफिट दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कि बिफोर टैक्स दिया हुआ है? सर आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट को एडजस्ट करोगे ना इसके साथ ऐड करोगे, टैक्स को माइनस करने के बाद ऐड करोगे, 10 रुपये सीधा ऐड नहीं होगा, 5 रुपये ऐड होगा, इज इट ओके? अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो ठीक, अगर आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सीधा कैलकुलेट करके दे दिया, मतलब 60, ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ये तो सेल्स है, एक्सपेंसेस सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दिया हुआ है 40, अगर आपको ये दिया है तो हमने क्या बोला, सीधा इसी के ऊपर टैक्स माइनस कर दो विदाउट थिंकिंग अबाउट इंटरेस्ट, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट वैसे भी चाहिए और ये 40 बिफोर इंटरेस्ट है, लेकिन हमको आफ्टर टैक्स चाहिए तो टैक्स माइनस कर दो, खत्म करो बात, 50% टैक्स है, 20 का आ जाएगा वैल्यू, वही चीज यहाँ पे कैलकुलेट करके दोनों तरीके से दिया हुआ है, आपको दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए। ओके, सो ये हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। अब आता है हमारा चैप्टर का मेन कंटेंट, यहां तक जो हम बात किए, यहां तक क्या किए बात हम, यहां तक सारे टर्म्स जो जो यूज होते हैं पीएल का या बैलेंस शीट का, वो सारे डिस्कस कर लिए। अब हम एक्चुअल चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं। अब कंसेप्ट नंबर 4 को बहुत ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ये आपको पूरा चैप्टर का ब्रीफ आउटलाइनिंग बताएगा। ओके, टाइप्स ऑफ रेशियोज, क्या क्या रेशियोज हम पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकली देखें, ऐसे रेशियोज का बहुत सारा टाइप्स है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, देर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। एक फाइनेंशियल रेशियोज, जिस ये जो पीडीएफ का नोट तैयार हो रहा है रेशियो एनालिसिस का, जब लास्ट क्लास आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस हम इसके ऊपर करने वाले हैं, सारे नोट्स एक बार कंपाइल होने के बाद ये जो पीडीएफ नोट है, ये हम जो लास्ट क्लास आएगा उसका डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें, उसका लिंक मैं जरूर दे दूंगा फॉर द डाउनलोड पर्पज, वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, फाइनेंशियल रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड मार्केट टेस्ट रेशियोज, ये 4 टाइप के रेशियोज ब्रॉडली हैं। सर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला तो सबसे ज्यादा, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी के ऊपर पूछता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लेसर इंपॉर्टेंट है, बट यस इंपॉर्टेंट ये भी है। मार्केट रेशियो लेस, मतलब नेग्लिजिबल बोलने से चलेगा ये, हालांकि करेंगे जरूर, क्योंकि ये सारे बात ना, देखो ना सारे बात आप एफएम में कवर कर चुके हो, इसलिए इसको हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। ओके, एक बार रिकैप जरूर करेंगे। फाइनेंशियल रेशियोज, ये फाइनेंशियल रेशियोज जो है ना, दीज आर रिलेटेड टू सॉल्वेंसी। अब ये सॉल्वेंसी ऑफ ए फॉर्म का मतलब क्या है, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी ऑफ ए फॉर्म, आप कितना कैपेबल हो टू पे ऑफ योर डेब्ट, वो आपका, आप अगर इसीलिए बोलते हैं ना कि आप अगर लोन आपका पे नहीं कर पाते तो आप इनसॉल्वेंट हो जाते हो, आप सॉल्वेंट नहीं हो। तो फाइनेंशियल इश्यूज रिलेटेड टू सॉल्वेंसी ऑफ ए फर्म। अब अगर सॉल्वेंसी का बात करें, दो टाइप का सॉल्वेंसी हो सकता है, शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए आपका सॉल्वेंसी देखा जाता है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए भी आपका सॉल्वेंसी देखा जाता है। शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए सॉल्वेंसी का मतलब क्या हुआ, कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो आप रीपे कर पाओगे कि नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो आप रीपे कर पाओगे कि नहीं। ओके, ये जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है, इट इज अदरवाइज नोन एज लिक्विडिटी रेशियोज। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जो है फॉर्म का, वो आप कैसे फाइंड करते हो, लिक्विडिटी रेशियोज से। ओके, और लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं उसको अदरवाइज क्या बोला जाता है, लेवरेज रेशियो। ठीक है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि MCQs हैं, कुछ भी तरीके से घुमा के आ सकता है, तो जितना ब्रीफ नोट हो सकता है आपके लिए उतना रेडी कर दिया है। ओके, तो अगर शॉर्ट टर्म रेशियोज में जाएंगे, या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज या लिक्विडिटी रेशियोज में जाएंगे, एक करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम, बस चैप्टर का आउटलाइनिंग समझ रहे हैं कि क्या क्या वी नीड टू कवर, कैश रेशियो। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेब्ट इक्विटी, कैपिटल गेयरिंग, फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज, डिविडेंड कवरेज, डन। और एक्टिविटी रेशियोज में क्या है, कोर एक्टिविटी से रिलेटेड रेशियोज हैं ये सारे, इसमें क्या है, सारे टर्नओवर वाले रेशियोज आ जाएंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी में सारे प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियोज आ जाएंगे।
तो इसको लेके हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले इन आर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच गाइस.